तो हेलो भाइयों, मैं आपका लव कटारिया, ठीक है। तो आप एलविस भाई को सपोर्ट कर रहे हैं, हंसी आ रही है मुझे। क्या नहीं, तो देखे जरा, मुझे हंसी आ जाती है ब्रो। इसे काट और दोबारा स्टार्टिंग कर। सुन, यहाँ देख के बोलियो है कैमरे में। चल मैं स्टार्ट करता हूँ। तो भाई यार, आज है बिग बॉस का फिनाले। आज के दिन पता लगेगा कि कौन जीतेगा दोनों में से। एलविस जीतेगा या अभिषेक जीतेगा? अभिषेक। अच्छा जी, ये काम मुझे गंदे लगते हैं। सुअर हाले, तूने ये कटवा दी, उंगली कटवा दी। सब काम, ये सब काम मत किया करो। मेरे तुम्हारी गलती नहीं, तुम हिंदुस्तानी नहीं, तो पाकिस्तानी हो। तुम्हें नहीं पता जब लोग पतंग उड़ाएंगे ना इंडिया में तो उंगली बांधते हैं। अरे इसकी बातों पे मत जाया करो भाई, इसकी बातों पे मत जाया करो। कितने साल हो गए देश को आजाद हुए, वो क्यों बताऊं? अरे चिंता के मेघ गरजे पर हम डरे कहां है, बजरंग दुख जगत के तुमसे बड़े कहां है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग चैनल। होपफुली आप बिल्कुल ठीक होंगे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो गाइस, आज दोबारा से मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। आज है कौन सा डे, आज मेरे मतलब ये दिन ख़त्म होने वाले हैं। मैं इन दिनों को काफ़ी ज़्यादा मिस करूँगा, और ये क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया दिन थे मेरे, और अभी भी चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अभी सीन क्या है कि आज सेकेंड लास्ट डे है, ठीक है, सेकेंड लास्ट डे है। आज दूसरा दिन है कि आज ख़त्म होने वाली है, ठीक है, और कल लास्ट दिन होगा कि ख़त्म हो ही जाएगी, सारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो कल के दिन, कल नहीं, मैं परस आप लोगों को सारी वो जगह दिखाऊंगा जहाँ पे मैंने टोटल सारे आम की गुठलियाँ लगाई हैं। तो आपको वो सारी जगह दिखा दूंगा, कौन कौन सी जगह लगाई हैं। और दूसरी बात ये क्या है कि कुछ टाइम से मैं देख रहा हूँ कि क्या चल रहा है ना, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा मतलब बिज़ी वगैरह रहता हूँ मैं। तो काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ बना रहा हूँ इन सब चीज़ों के पीछे। काफ़ी ज़्यादा व्लॉग मेरे काफ़ी शॉर्ट हो गए हैं। आज भी 3 से 4 मिनट का व्लॉग आया है सिर्फ, ठीक है। 3 से 5 मिनट तक का व्लॉग आएगा, ठीक है। तो उस चीज़ को माइंड मत करना, ठीक है, क्योंकि वो सब चीज़ें किसी चीज़ से ही हो रही हैं, रीज़न से ही हो रही हैं, ठीक है। तो चलो जल्दी जल्दी से अपना काम शुरू करते हैं यहाँ पे जल्दी से। और क्या है कि आम के पेड़ मैंने यहीं पे लगाए हैं, इसी लोकेशन पे लगाए हैं, ठीक है। तो चलो जल्दी स्टार्ट करते हैं। और अंकित दोबारा से आज अपने साथ आया हुआ है, आज बल्कि 15 अगस्त है, बल्कि मैं आप सभी को विश करना भूल गया, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, हैप्पी 77th इंडिपेंडेंस डे। ये 77वां इंडिपेंडेंस डे है, ठीक है। हम लोग सभी लोगों को सेलिब्रेट करना चाहिए साथ में मिलके। और मुझे तो लगता है कि यार सेलिब्रेट करना ना कोई बड़ी बात नहीं होती। आप भी ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, कितना से हम दोनों के लिए पूछ कैसे ये इंडिपेंडेंस डे है, ठीक है। इस इंडिपेंडेंस डे पे हम लोग क्या कर रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं और झंडा फहरा रहे हैं। हमने तो फहराया है। फ़ायदे का काम क्या है, हमने आज पूरे दिन फ़ायदे का काम किया, मतलब अच्छा काम क्या किया? हम पेड़ लगाने आ गए एक तो। ये देखो, सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल चीज़ हम दोनों के लिए ये है इस वक्त कि भाई मैं उड़ती पतंग छोड़ के आया हूँ, सब चीज़ ओके चल रही है भाई। वो भी जानता है, मैं भी जानता हूँ कि भाई इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। और 15 अगस्त वाले दिन अगर हम ये चीज़ कर रहे हैं तो भाई मैं तो ये लगा रहा हूँ भाई, मैं तो बहुत प्राउड हूँ अपने आप को लेके कि भाई ये भी प्राउड है अपने आप को लेके कि भैया देखो इस दिन लगा रहे हैं, ठीक है। 1 घंटा ये बल्कि अभी बढ़ा रहा था, 1 घंटे के लिए आया सिर्फ, मैं अभी 1 घंटे के लिए ही आया हूँ क्योंकि निकल जाऊँगा मैं भी अपने उधर की साइड जहाँ पे मेरे यूजली पतंग वगैरह उड़ाते हैं, ठीक है। तो बाकी ये काम करने के लिए हम काफ़ी ज़्यादा खुश हैं आज के दिन, ठीक है। सो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप लोग, आप सभी को भी जो मेरा व्लॉग देख रहे हो, ठीक है। सो चलो अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं लगाना और निकलते हैं फिर अपने घर की तरफ। चलो देखो, ये काम मुझे गंदे लगते हैं। सुअर हाल, तूने ये कटवा दी, उंगली कटवा दी, कहाँ से कटी? और ये सब काम मत किया करो। मेरे तुम्हारी गलती नहीं, तुम हिंदुस्तानी नहीं, तो पाकिस्तानी हो। तुम्हें नहीं पता जब लोग पतंग उड़ाएंगे ना इंडिया में तो उंगली बांधते हैं। एक मिनट हरा कलर तूने पहन रखा है, ओ मेरी बात सुने, देशद्रोही पाकिस्तान कलर तूने पहन रखा है, हर हिंदुस्तानी। अरे इसकी बातों पे मत जाया करो भाई, इसकी बातों पे मत जाया करो, सुना रहे छोड़ भाई। हेलो, हमारा देश आजाद हुआ, हम खुशे बना रहे हैं, तुम जैसे लोग क्यों नहीं बना रहे? कितने साल हो गए देश को आजाद हुए, वो क्यों बताऊं? अरे पाकिस्तानी हमारे देश की तुम्हारी बात नहीं करोगे? अबे भाई 77 साल हो गए भाई, अभी बोला मैंने तब याद आया तेरे को। जैसे बंदे ना बस दीप फेम के चक्कर में लगे रहे, फाड़ दूंगा सर तेरा। जय श्री राम बोल दे भाई, अभी मैं चल, जय श्री राम। देखो भैया, हिंदुस्तान में रहना है तो ये करना पड़ेगा। देखा भाई, हिंदुस्तान में रहना है ना तुम लोगों को, तो जय श्री राम तो बोलना पड़ेगा। हाँ मेरा भाई, हाँ मेरी जान। वो रील जिसने बंदों ने देखी वो बंदे बड़े खुश हुए, कह रहे लेकिन भाई तुमने कॉपी सही कर रखी है बंदों की। अरे तू वैसे वो धाकर छोड़ा चला चला वो था अपने टाइम पे, अब भी चलता है उसकी। मैं तो वीडियो आज भी देखता हूं, देखा करते तो उसको पहले कट। आज की कौन सी गुटली है भाई? ये है तेरी T6 या 47 48 49, ये 40 तेरी कल दो रह जाएंगी ना, तो आज 47 है ये, 47 और 48 है।
तो भाई लोग आज की 47 और 48वीं गुठली भी लग चुकी है और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कसम से भाई, कसम से आज खुशी हो। नाच के दिखा, रियल में खुश है तो नाच के दिखा। ये देख, देखो भाई अगर नाच देते मुजरे वाला था पहले ना, टिकटॉक में मुजरा बनाता था। ठीक है, काम छोड़ाओ। एक मिनट मेरे ब्लॉग के लिए भी बोलने, मुझे चोरी करो अपनी, फिर क्या करो, टांग चोरी कर लो, उसके बाद क्या करना है? ऐसे मत दे कि बुरा सा लगे कुछ सुनने। हाँ भाई, टांग चोरी करो, बताओ ना फिर। अपने हाथों को ऐसे करके 90 डिग्री घुमाओ, 90 डिग्री पे घुमाओ, पूरी घुमाओ। यहाँ पे चेक करो मच्छर तो नहीं बैठे। ठीक है, इनको उड़ा दो पहले ना, देखिए इस तरीके से। तो बढ़िया, कोई देख तो ना भाई, वो भाई तुम लोगों से एक बात करनी है मेरे को। पहले मेरी बात बीच में गुजरता रहे मेरे लोगों में, सुनो ये को जहाँ मिले ना इसकी सिस्टम पाड़ दो, इसकी हैंग कर दो। तुम लोगों से एक बात करनी है भाई, तुम लोग वीडियो नहीं देख रहे, तुम लोग वीडियो नहीं देख रहे भाई, वीडियो क्यों नहीं देख रहे? एक बात बताओ, मेरा थंबनेल चल लगता है या फिर मैं जब 2 या 3 मिलियन पे चला जाऊंगा तभी मेरी वीडियो देखोगे? हैं, अबे देखनी शुरू कर दो, थोड़ा बहुत भाव देना शुरू कर दो। हैं, अबे जब देखनी शुरू करोगे तभी तो कुछ होगा। हैं, अब तुम देखोगे ही नहीं तो कहाँ से कंटेंट पता लगेगा मेरा? बार बार से चले जाते हो देख के। हैं, और कुछ लोग तो है जो जलते भी हो मेरे से। अबे भाई जलना वलना बंद करो यार, वीडियो देखना शुरू कर दो। ठीक है, नहीं तो फिर कोई और देखना शुरू कर देगा तो तुम्हारी जलेगी और ज़्यादा। ठीक है, तो भाई वीडियो देखना शुरू करो, भाई को सपोर्ट करो। ठीक है, तुम्हारा भाई आगे जाएगा तो तुम्हें भी लेके जाएगा। मैंने ऐसा अभी अपॉइंट नहीं किया, ठीक है, मैं लेके चला जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलो जल्दी से निकलता हूँ यहाँ से, और टाइम काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। चलते हैं सीधा 2 नंबर गली, मेरा पुराना घर जहाँ पे मैं यूजुअली जाया करता हूँ। मैं वहाँ के क्लिप्स भी दिखाऊंगा क्योंकि मैं बता नहीं सकता, मैंने वहाँ बता रखा कि मैं व्लॉगिंग करता हूँ। ठीक है, थोड़ी बहुत क्लिप्स दिखा दूंगा वहाँ की, और पतंग उड़ाने वाला मुझे नहीं पता कि पतंग उड़ा रहे होंगे नहीं उड़ा रहे होंगे, बट जो भी है अगर जैसा भी होगा मैं दिखाई दूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो चलो जल्दी, तो चलाएगा बाइक रोड कर रहा है। चल फिर मैं बैग तैयार कर लूँ। भाई इसका सेल्फ ठीक करा लो भाई, बैग देखो किधर पड़ा हुआ है यार, फिर गंदा हो गया यार ये तो। भाई बैग जो है ना मम्मी धोती है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ जाती है तो इस वजह से। तो भाई इसकी ना एक बंदे को ना कंप्यूटर हो रही है, तो 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 रेस घुमाना। तो भाई टारन कैसे हो जाती है भाई? जर 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 चल ले लेना, देख आज कितना हल्का है टायर इसका। अरे तेरे पे बाइक नहीं खिसक रही अंकित, काहे बात की जिम कर रहा तू बेटा? मुझे देख के कैसे साइड पैड बैठा के दूं साइड में। अपने टांग के साइज देखी तो ना? हैं, टांग का साइज देखा? जितना भी हो टांग का साइज। तो तेरी बाइक अपना बंद हो रही है। हां, साइज भी नहीं जाया करते उस्ताद। ठीक है, डबल मीनिंग बातें नहीं जाएगी ना, साइज भी नहीं जाए, साइज भी नहीं जाया करते। बता रहा हूँ मुझे साइज के हुए है भाई। कल परसों का कित मेरी वीडियो मैंने कमेंट आया था भाई, कमेंट बताओ मैं तेरे को क्या है। कह रहा था भाई मैं बंदे को जानता हूँ, खराब अंकित है ना, तो कह रहा भाई इनबॉक्स में आओ। मैंने कहा ठीक है भाई, माँ कसम है, माँ कसम रुक जाना, पहले बात तो बता दू फिर माँ कसम। क्या पागल पागल है तेरी भाई गिल रही है, मैं क्या करूँ? पता क्या कह रहा भाई अंकित है ना मैं, तो मैंने कहा आप कौन भाई? कह रहा यार मैं जानता हूँ बड़ा एड़ा बंदा है, ये कह रहा था। तो भाई लोग देखो अभी तक पानी जो है ना ऑलमोस्ट सारा उतर चुका है। अरे वो छोड़ भाई, अपना आज है बिग बॉस का फिनाले, आज के दिन पता लगेगा कौन जीतेगा दोनों में से, एलवी जीतेगा अभिषेक जीतेगा। अभी मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में बताया था वो बंदा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। ठीक है, आप लोग भी ठीक है, तो वही है कि मैं तो चाहता हूँ एलवी जीते, बाकी अभी पता नहीं लगा, पता नहीं अभी क्या क्या सीन है क्या नहीं है अभी। ठीक है, मैं जस्ट अभी खिला खोल के बैठा हुआ टीवी। ठीक है, और अभी इसको स्टार्ट करता हूँ जल्दी से, स्टार्ट हो गया ना, आराम से बैठ के देखते हैं क्या सीन है आज क्या नहीं है। बाकी जैसे भी होगा तो पता लग ही जाना है आप लोगों को, बाकी मेरा मैं भी अपना रिएक्शन डालूंगा यार आज। ठीक है, एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, और अभी रिएक्शन दिखाऊंगा अपना कैसा है, मतलब क्या सीन है इसका। ठीक है, तो चलो जल्दी स्टार्ट करते हैं। अरे लेकिन जो वाइल्ड कार्ड आएगा वो कैसे जीत के जाएगा? अब आप फाइनलिस्ट में आ गए हो, चांस है आपका, तो फिर वो कोशिश पुरानी है, हार न मानी है, रुकना ना है अब यहाँ,
से भिड़ जा।